नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वो कर दिखाया है जो पहले सिर्फ शीला दीक्षित ने किया था। माने केजरीवाल सरकार लगातार तीसरी बार बनने जा रही है, खुद केजरीवाल तीसरी बार सीएम बनेंगे। जीत के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, अपने बेटे को इतना प्यार देने के लिए दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया। आज दिल्ली वालों ने एक नई राजनीति को जन्म दिया, काम की राजनीति। ये भारत माता की जीत है, जय हिंद। खैर, हर जीत के पीछे कुछ नायक होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। हम ऐसे ही पांच नायकों के बारे में आपको बताएंगे जो आम आदमी पार्टी की जीत के लिए दिन रात एक किए थे। पहला नाम अंकित लाल, आपके सोशल मीडिया हेड। सबको पता है कि दिल्ली का यह चुनाव मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ा गया और आम आदमी पार्टी की ओर से ये कमान संभाली अंकित लाल ने। अंकित अन्ना आंदोलन के समय से ही केजरीवाल से जुड़े रहे हैं। दी लल्लन टॉप से उनसे फोन पर बात की ये जानने के लिए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी का सामना कैसे किया, क्या रणनीति बनाई जिससे पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। अंकित ने बताया कि हर साल डेढ़ साल में सोशल मीडिया का स्वरूप बदल जाता है। जो चीज़ 2013 में की वो 2015 में काम नहीं आई, जो 2015 में की वो 2017 में काम नहीं आई, और 2017 की रणनीति 2020 में काम नहीं आई। अंकित बताते हैं कि 2017 में ही आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया था कि कैंपेन विकास पर आधारित होगा। उस समय तक दिल्ली के एजुकेशन और हेल्थ मॉडल के बारे में बातें होने लगी थी। सोशल मीडिया पर इसकी शुरुआत फोटो से हुई, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों के फोटो आने लगे, लोग उसके बारे में बात करने लगे। हालांकि 2020 आते आते चीजें बदली और हमें फोटो से वीडियो की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के मीम्स, फोटो और वीडियो की भी खूब चर्चा हुई। अंकित बताते हैं कि इसके पीछे एक लंबी चौड़ी टीम थी। कैंपेन तय करने वाली कोर टीम में 20 से 25 लोग थे। इसके बाद 200 लोगों की टीम थी जो इंडिया के बाहर भी फैली हुई थी। इसके अलावा 7000 लोग वॉलंटियर्स के तौर पर जुड़े हुए थे। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर बीजेपी के ट्रैप में फंसे बिना अपना काम कर गई और नतीजा सामने है, और इस काम के हीरो रहे अंकित। दूसरा नाम जैस्मिन शाह। जैस्मिन शाह चुनावों की घोषणा से पहले ही दिल्ली सरकार में डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली DDCD के वाइस चेयरमैन बनाए गए थे। पिछले 6 महीने में दिल्ली सरकार में जितनी पॉलिसी बनी है उसमें जैस्मिन शाह की बड़ी भूमिका रही। ये पॉलिसी कैसे लागू होंगी, कैसे इसे पब्लिक के बीच में रखा जाएगा, चाहे वो डोर स्टेप डिलीवरी हो या अन्य योजनाएं। चुनाव की घोषणा से पहले ही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने में इनकी भूमिका अहम होती थी। इसके अलावा एक और बड़ा काम जैस्मिन के हवाले था, मीडिया मैनेजमेंट का। आम आदमी पार्टी को लेकर मीडिया में क्या चल रहा है और क्या चल सकता है उसके मॉनिटरिंग करना और फिर रणनीति बनाना इनका ही काम था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था उसमें भी जैस्मिन शाह ने मुख्य भूमिका निभाई। अब जो तीन नाम बचे हैं वो पर्दे के सामने वाले नायक हैं। इसमें पहले और लिस्ट के हिसाब से तीसरा नाम है संजय सिंह का, राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रभारी, जिनके हाथों में दिल्ली के चुनाव की कमान थी। उन्हें शो रनर कह सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का मैनेजमेंट अपने हाथों में रखा और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी। एक तरह से उन्हें आम आदमी पार्टी का चाणक्य कह सकते हैं। चुनाव के दौरान विपक्ष की रणनीति पर कैसे प्रहार करना है, खास तौर पर बीजेपी की तरफ से आए बयानों का जवाब संजय सिंह ही देते थे। यानी हर मुद्दे पर खुलकर बोलकर वे पार्टी के बड़े नेताओं के लिए ढाल का काम करते थे। इसने अरविंद केजरीवाल को विवादों से दूर रखा और चुनावी मैनेजमेंट कर संगठन के स्तर पर आम आदमी पार्टी का काम संजय सिंह ने आसान किया। चौथा नाम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा। मीडिया और सोशल मीडिया में दिल्ली के स्कूलों की जो ग्लोरियस तस्वीरें सामने आईं उसके पीछे मनीष सिसोदिया ही थे, और यही एजुकेशन में किया गया काम दिल्ली चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। मनीष की अहमियत ऐसे समझिए कि सीएम अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में, माने जब वो पंजाब इलेक्शन में बिजी थे, तब मनीष ने ही दिल्ली सरकार की कमान संभाली थी। मीडिया में आम आदमी पार्टी की बात रखनी हो, सरकार की बात रखनी हो, तो सिसोदिया को ही आगे कर दिया जाता है। सरकार की योजनाओं का ऐलान करने का काम भी वही करते हैं। इस चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल कब शपथ लेंगे इसका ऐलान भी मनीष सिसोदिया ने ही किया। पांचवा और अंतिम नाम स्वयं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। दिल्ली का आधा चुनाव तो आम आदमी पार्टी ने तभी जीत लिया था जब मोदी स्टाइल में पूछा गया केजरीवाल वर्सेस कौन। जमीन पर भी यही नजारा दिखा, चुनाव में केजरीवाल के नाम पर ही वोट पड़े। अगर ये कहें कि 70 सीटों पर केजरीवाल ही लड़ रहे थे तो गलत नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की तरह दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को एक चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया, एक ऐसा चेहरा जिसके सामने बीजेपी कोई नेता नहीं उतार पाई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरा दिल्ली में घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया, खास दिल्ली सेंट्रिक मुद्दों पर जोर दिया, राष्ट्रीय मुद्दों से दूर रहे। अंत में लोगों ने केजरीवाल के चेहरे पर भरोसा किया। कई जगहों पर अपने विधायक से नाराज होने के बावजूद
बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन के बावजूद लोगों ने माना कि दिल्ली में तो केजरीवाल ब्रांड केजरीवाल चल गया और 16 फरवरी को केजरीवाल दिल्ली के लगातार तीसरी बार सीएम भी बनेंगे। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही और तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा एक नया पेज आया है लटक नाम से, उसको फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।